हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी उठे हम सब, तो आप पहले बाहर का व्यू देखिए यार, बहुत सर्दी है। सुबह ना 6 बजे उठना था पर हम 6 बजे उठ नहीं पाए क्योंकि यार बहुत अच्छी नींद आ गई थी और यार बहुत बर्फ़ पड़ी है आज, देख सकते हैं आप पूरा व्यू देखें एक बार। तो इस टाइम हम मनाली के यहाँ पे हैं, ये ओल्ड मनाली के पास ही पड़ता है और हमारा जो होटल है जैन वशिष्ठ कॉटेज, ये वशिष्ठ रोड पे है। पता नहीं ये वशिष्ठ रोड है ये ओल्ड मनाली है, तो ओल्ड मनाली ही बोल रहे थे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ बर्फ़ हुई है और वो नीचे खड़ी है हमारी कार नोवा। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ कार के पास, एक्चुअली मेरा थोड़ा सामान नीचे रह गया था कार में। और ये पीयूष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं कार में और चल भाई जाया, जाया। अरे आ जा। अरे हमारा जो होटल है ना यार, बहुत मतलब जो रूम है ना ऊपर दिया हुआ है, तो नीचे जाना बड़ा अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा नीचे। हमारे होटल से बाहर इस तरह ये होटल है जैन कॉटेज। तो चलते हैं कार के पास, यार व्यू ना बड़ा गजब है यार, इतनी सर्दी हो गई है ना, बहुत सर्दी हो रही है। और फाइनली हम कार के पास पहुंच गए अपने, चल हल्दिया। मेरा ना ब्रश वगैरह कार में पड़ा था यहाँ पे, देख सकते हैं मेरा ब्रश, और ये भी रख लेता हूँ उस टाइम में। और क्या लेना था यार, और तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, पर इसको ले लेते हैं। रूम में जाके नहाएंगे फटाफट और निकलेंगे यहाँ से सोलांग वैली के लिए, और देखते हैं आज कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम है। ये देखो इस बंदे ने बहुत दुखी करा हुआ। बंदूक पिस्तौल, मैंने कोई दुखी नहीं किया भाई। तैयार हो गया, ये तो डलेगी अब, ये नहीं कटता सी। मैं तो कहेगा डाल दो, मैं तो कहेगा डाल दो। इधर घूमो, इधर लो घूम के ये लो। तो यार नहा लिए, अब सब तैयार हो चुके हैं और अब निकलेंगे सोलांग के लिए। पहले कुछ खाएंगे यार, बहुत भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। सब ने अपने बैग वगैरह पैक कर लिए हैं, बस सब निकलने की तैयारी हो रही है। और भाई तू भी तो नहा लिया, तू नहाया तो नहीं? नहा लिया मैं, नहा लिया, नहा लिया, नहा लिया, बंदे भी नहा लिया। कुछ बंदे ऐसे जो नहीं नहाए हमारे ग्रुप में, वो अब नहा रहे हैं यार। व्यू ना बड़े गजब है ना भाई, ठीक है ना, सही है ना, सेट है ना। उधर वाला व्यू भी बड़ा सही है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम सारे तैयार हो चुके हैं। और टाइम कितना हो गया? 9:30 हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब सोलांग के लिए निकल रहे हैं हम, तो एक बार व्यू देख, चाय पी के निकलेंगे यहाँ पर। एक बार व्यू देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू जिसे कहते हैं। और वहाँ बर्फ़ भी पड़ी हुई ऊपर अभी पड़ी है, कैसा लग रहा है? फिर मज़ा आ रहा है, मिलते हैं रास्ते में फिर यहाँ पे। कार हमारी रह गई वहाँ पे खड़ी है दुलारी, बाकी सारी लोगों से चली गई है। तो चलो चलते हैं, चलो हम निकल रहे हैं यार यहाँ से। स्टार्ट करने वाला कम है, स्टार्ट करके देखते हैं कार स्टार्ट हो जाएगी हल्की से, लेटली पर कार स्टार्ट होगी। और हम भी कर रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी हवा कम थी टायरों में। तो अभी हम निकल लगे हैं सोलांग के लिए। तो होटल वाले भैया ने बताया कि 90% चांस आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। भाई इंटरेस्टेड है स्नोफॉल देखने के लिए? यस यस। अरे ड्राइवर का भी देख ला, ड्राइवर तो माड़ा साड़ा, पता नहीं पहुंचेगी स्नोफॉल। तो अभी हम सोलांग के रास्ते पे खड़े थे, हल्की की स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, आपको दिख रही होगी कैमरे में, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की अभी स्टार्ट हुई है। ये देखिए, इधर से देखिए,
कैमरे में दिख नहीं रही है। स्नो पूरी शुरू हो चुकी है अभी आगे की, देखते हैं कि इसी स्पीड पर रहेगी क्या तेज होगी, तो ये देखते हैं। तो चलते हैं आगे, तो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल तेज हो चुकी है, कार पे भी आने लगी है, अगर आप जस्टिस कर पा रहे होंगे देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है स्नोफॉल। मेरी जैकेट पे देखिए कितनी ज़्यादा आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्नो चल गई यार, कार पे भी नहीं आई अभी। तो देखिए हल्की हल्की आने लगी है, मज़ा आ गया, फर्स्ट टाइम आया मना लिया, फर्स्ट टाइम स्नो मिल गई। चलो चलो चलो, तो अभी हमने कार यहीं पे खड़ा दी है, क्योंकि भैया कह रहे थे अगर आगे जाओगे तो जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और आपकी कार स्लिप करने लग जाएगी, तो स्लिप का इशू नहीं, पर हमने यहीं खड़ा दिया और हम आगे पैदल जा रहे हैं और स्नो तेज हो जा रही है हौली हौली, यहाँ पूरा भर जाएगा भैया कहते हैं स्नो से। तो अभी हम आगे जाते हैं, तो हम ऊपर जा रहे हैं, बर्फ स्नो बहुत तेज हो जा रही है, तेज हो गया भाई, चलो चलो भागो भागो भागो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्नो का, इधर से चलते हैं। तो अभी रोड पे हम आते हैं, दिखाएंगे कि कितनी स्नो पड़ गई है, देखिए कितनी ज़्यादा स्नो हो रही है, तो अभी हम भाग के चढ़ रहे हैं, पर आ जाओ आ जाओ, इधर से चल, इधर से, इधर से चलो चलो, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एक बार व्यू ले लीजिए पूरा, ये खड़े दोनों और मैं भी, कैसा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, फोटो भी खींचते हैं, जल्दी जल्दी चलो पहले ऊपर चलते हैं, फिर फोटो खींचेंगे, चलो। तो अभी हम आ गए ऊपर, सारे हम आ गए और बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज होगी, स्नो पड़ रही है, स्नो मज़े से पड़ रही है, और कैसा रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस स्नो का भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा तो वैसे काफ़ी आ रहा है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, ठंड भी लग रही है पर मज़ा भी आ रहा है, सनग्लास कलरफुल, इसका पूछते कैसा लग रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस स्नो का, इसका सेकंड है, पहला कैसा लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया, ये क्या इसको बेकार लग रहा है, बहुत ठंडा है, इतना गंदा लग रहा है, मन कर रहा है घर चले जाऊं, इसको घर जाना है, मास्क में सांस नहीं आ रहा, मास्क क्यों लगा रखा है, बहुत मजा आ रहा है भाई, क्योंकि मास्क में सांस का टोपा वगैरह गर्म टोपी है, यो यो चलो आगे, चल चलो, बहुत बर्फ पड़ रही है, दिल खतरे में है, घूम रहे लोग, अब तो लोग देख रहे हो ना, जाना किधर है, अभी हमने और ऊपर जाना है, पहुंचने वाला है और मजा बहुत आ रहा है, स्नोफॉल इतनी, स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, बहुत और मजा आ रहा है, पैसे वसूल हो गए मनाली आके, देख सकते, तो आपका भाई कैसा लग रहा है बताना, यो यो चलो चलो यार ऊपर चलते हैं, अभी हमने और ऊपर जाना है, आप देख सकते हैं स्नोफॉल बहुत हो रही है यहाँ पे, चल भाई चल ऊपर चल, तो आप देखें हम ऊपर आ गए थोड़ा और यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्नो है यार, फुल मज़ा आ रहा है मनाली का, तो सोलांग का, और अब हमें ना भैया से पूछ रहे हैं कि इस राइड का क्या चार्जेस लेंगे, ये भैया बोलते हैं कि हमें और ऊपर लेके जाएंगे, बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारे बाकी जने नहीं मिले चार, बाकी जने किधर है यार, बाप पता करो, और फिर चलते हैं अपनी मॉन्स्टर बाइक पे, अगर वो आ जाते हैं, बट अभी ना ये मना भी कर रहे हैं कि जल्दी कर लो क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, मज़ा आ गया, पैसे भी सूल हो गए, और देखो आप लोग जगह जगह पे खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है, ये मैगी, ये ऑमलेट, बिस्किट, फ्रूटी सब मिलेगा आपको यहाँ पे, और आप देख सकते हैं बुकिंग करवाने के लिए, यानी कि बहुत स्नो है यार, बहुत ज़्यादा स्नो, फ्री पार्किंग है, और भैया बोल रहे कि यहाँ फ्री पार्किंग है यहाँ पे, तो अभी हम पर आ गए हैं और स्नोफॉल उतनी तेज हो चुकी है, देखिए बहुत ज़्यादा तेज स्नोफॉल हो चुकी है, ये व्यू देखिए एक बार, ऐसा ही हम व्यू देखना चाह रहे थे और ऐसा व्यू हमें मिल गया, बच गया, वाह अभी बहुत मज़ा आ गया, देखिए कितनी ज़्यादा स्नो हो रही है, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, कार हमने अच्छा करा नीचे ही खड़ा दी,
क्योंकि अगर ऊपर कार लेके आते तो ना फंस जाती, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब देखो कितनी स्नो है, बहुत तेज स्नो हो रही है। वो कहते जितने ऊपर जाओ उतनी तेज स्नो होती जा रही है, तो हम भी और ऊपर जा रहे हैं। शिव मंदिर भी है वो बोल रहे हैं ना। हाँ देखते अगर वहाँ पे जाए पॉसिबल हुआ तो जाएंगे, वरना नहीं। और स्नोफॉल बहुत तेज हो रही है, बहुत ज्यादा तेज, तो चलते हैं ऊपर। तो लेडी थोड़ी मैगी खा रहे हैं, मैगी खाने के लिए रुके हैं। स्वाद ही लगा पहाड़ों में स्नोफॉल में ना, और इतनी बर्फ में मैगी खाने का स्वाद बहुत। देखो सब भाई इधर देखो, मैगी खा रहे हो सब। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉनफायर भी चल रहा है, क्योंकि यार ठंड बहुत है। तो 7 को बर्फ है, 9 को बर्फ है, 15 तारीख तक बर्फ है लगातार। देखा सुना सुना यहाँ की मेहनत लगी। तो यार मेरी वाली खत्म हो गई है, मैं इसकी खाने जा रहा हूँ भाई। मजा अब हम नीचे जा रहे हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं बस मैगी खा के, क्योंकि कार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो फटाफट यहाँ से निकलो और जाते रूम में, पर नीचे जाते हैं अभी, रूम में नहीं जाएंगे अभी, अभी तो घूमना है भाई, अभी घूमना है, मिलते हैं बाद में। मामी चाय चल रही है, चाय चल रही है, चाय चल रही है, चाय। थैंक यू। सारे चाय पी रहे हैं, चाय इतनी स्वाद है ना, बहुत स्वाद है। मैगी भी बहुत स्वाद थी यार, बहुत बढ़िया लगा मेरे को, बहुत अच्छी मैगी बहुत है भाई, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। चाय इन्होंने बनाई हुई बहुत स्वाद चाय थी। और ये भैया है, भैया ये भैया जिन्होंने चाय बनाई है, मैगी मेरी चाय, ये मैं अपनी चाय ढूंढ रहे, चाय घूम गई, चाय कहाँ गई, चाय पी के चलते हैं फिर। तो हम वापस जा रहे हैं नीचे, क्योंकि स्नो बहुत हो गई है, आप पेड़ को देख सकते हैं बहुत ज्यादा धुंध हो गई है साइड में। चलो और ना यहाँ पे बहुत स्लिप, तो ये ना ये हमारी ये वाली लड़की है ना, ये वाली ये दो बार गिर चुकी है यहाँ पे, तो ये बचा है अभी। तो भाई ध्यान से जाना है। अब यार ऊपर एक बार व्यू देखो यार, क्या व्यू है यार। हम आपको रिकमेंड करेंगे, आप न्यू ईयर पे कभी मत आओ, मतलब न्यू ईयर के बाद आओ भाई, इतनी स्नो मिलेगी आपको। सेकंड जनवरी है और स्नो देगी आप, और ये नहीं ये अभी 10 जनवरी तक और होगी। क्यों भाई, यस भाई साइड हो जाए यार, कार्स को भी जगह दो। तो यार बहुत स्नो है भाई, कहाँ चलो। तो हम ना नीचे जाके ही शुरू करते हैं ब्लॉग, क्योंकि यहाँ पे यहाँ बहुत ज्यादा फॉग है, फॉग नहीं भाई बर्फ है। तो चलते हैं, देखो हम पहुंच गए अपनी कार के पास। और आप स्नो देख सकते हैं यार, बहुत ज्यादा हो गई है। अब तो हमारी कार देखो यार, हमारी धन्ना हमारी कार देखो फुल फ्लेक्स भर चुकी है। ये देखो देखो ये अपने इस बंदे ने कुछ बनाया, समझ बनाया, ये रास्ते में आते आते समझ नहीं आ रहा कुछ। बैठो बैठो कार में बैठो, और फिलहाल अपनी कार पे आ गए। अपनी कार देखो एक बार, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और हम अपनी कार में बैठ चुके हैं, और आप एक बार देखें यहाँ से, मैं शीशा खोल के दिखाता हूँ कार का। स्नो दिख रही है आपको, ये देखो ये देखो, ओए अंदर क्यों डाल ली, ये अंदर आ गई यार, इसको बाहर फेंको। और देखो सबकी कार जिस तरह हो गई है, यहाँ पे हमारी टोपियां हमारी जैकेट सब बर्फ से भरी हुई है। और पीछे लो कार में बैठ गए, देखो बर्फ बहुत बर्फ है यार, देखना 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 यहाँ पे। आगे तो आप देख ही नहीं सकते यार, बर्फ बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा। मनाली पाओगी रात में, अच्छा देख ले पक्का दिख रही है बर्फ। यार जाम में खड़े हैं बहुत ज्यादा,
अपना स्नोफॉल बंद हो गया, बारिश शुरू हो गई है। कार स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं और पीछे बैठे बंदे जी। थक गए हम, पिछले भी डाउन कर देना। थक गए, ये बड़ी कॉमेडी है। तो अब हम ट्रैफिक में फंस गए, पता ही बताओ भाई। जैसे कि हमने कहा था कि हम सोलांग वैली से निकल चुके हैं, बट देखा जाए तो हमें 2.25 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। हम इतने ज्यादा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं कि मुझे नहीं लगता हम 4 बजे तक मनाली पहुंच भी पाएंगे। पर अब पता नहीं यार क्या हो। हमने अभी माल रोड भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है और हमें हरिम्बा टेम्पल भी देखना है, बट बहुत मुश्किल हो रहा है ये ट्रैफिक की वजह से। और आप देख सकते हो मेरे ना सारे बिस्किट गिर गए कार के यार, कार में। और मैंने ना बहुत कुछ खा लिया, बहुत कुछ खा लिया यार, बिस्किट खा लिया। और नहीं भाई ऐसा हमने कुछ नहीं, हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, हम यही चिप्स बिस्किट मैगी खा रहे हैं। एक ना चाय वाली आंटी भी आई थी, देखो चिप्स चल रहे हैं। बहुत ज्यादा भूख और पीछे वाले बच्चे ना दुखी हो गए हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। लड़ाई भी हुई है और ये पीछे वाले ना भी रो रही थी, टसवे बहा रही थी टसवे। आगे वाला पैसेंजर बड़ा शांत है, देखो खुश है भाई। तो भाई हम आगे जाके चलते हैं यार, एक नुकसान हो गया ना, ये देखो बिस्किट गिर गए। बिस्किट गिर गया, बिस्किट बिस्किट बिस्कुट बिस्कुट गिर गया, बिस्कुट बिस्कुट। चलो आगे चलते। तो अभी हमें कार कलकत्ता से चला, वो खाने के लिए रुके। और ये ऑल्टिस दिखी है जो पूरा केरला से चल के लद्दाख तक आया है, और आप देख पा रहे मैप बना रखा पूरा इसने, अलवीज देख दोनों साइड पे। और अब रोटी खाने रुके हैं न्यू शेर पंजाबी ढाबा, सबको भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाए, 4 बज चुके हैं। चलते हैं अंदर रोटी खाते हैं। फिर भाई भूख लग रही है? यस ब्रो, यस ब्रो। इन्हें इन्हें कब से लग रही है? इन इस बंदे को बहुत देर से भूख लग रही है, भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, भूख लग रही है। चलो भी चलो अंदर चलो। तो ऑलमोस्ट 7 बज गए और हम आ गए मनाली माल रोड पे। कार हमने यहाँ पार्क कर दी है पार्किंग में, और अब जाके होटल ढूंढेंगे और माल रोड घूमेंगे पूरा। और यार टायर पंचर हो गया, एक दिक्कत आ गई यहाँ पर। चलो ट्यूबलेस टायर है, अपना काम चल जाएगा। तो चलते हैं अब एक बार होटल भी ढूंढना, हमने होटल ढूंढ के फिर माल रोड ढूंढ के फिर चलते हैं। चलो तो भाई हमने भी रूम बुक कर दिया है, होटल का नाम है हमारा 1965। कॉरिडोर कह सकते हैं। और ये हमारा रूम है, एक बेड यहाँ है डबल और एक सिंगल यहाँ है। और रूम का डिजाइन देखो एक बार, बहुत ही नाइस रूम है, वॉशरूम भी बहुत ज्यादा अच्छा है, प्राइस भी इसका बहुत जेन्युइन है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ रुकने के लिए, और इनके पास बाइक भी मिलती है रेंट पे। तो यार होटल तो बहुत अच्छा लगा, कैसे लगा होटल? बहुत सही, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा होटल है। अब सीधा फ्रेश होके माल रोड चलते हैं। हाँ। फिर आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो हम देखो ये माल रोड मनाली का, बहुत यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यहाँ पे यार। और हमने ना अभी ये डिसाइड किया है, यहाँ पे लिखा है ये शेरे पंजाब, शान ए पंजाब, प्योर वेज। अगर ये सही लगता है तो यहाँ ठीक है, वरना पीछे भी हमने एक रेस्टोरेंट देखा है। और आप एक बार फिर से देखे व्यू यहाँ का, ये दो बंदे भी हमारे हैं जो जा रहे हैं आगे। और आप यहाँ के मार्केट देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिफ्ट शॉप है, गारमेंट की शॉप मिल जाएगी, गिफ्ट्स वगैरह, टैटू स्टूडियो भी आप देखोगे यहाँ पे लोग आपको। तो बहुत बढ़िया है यार यहाँ का माल रोड। हम लास्ट ईयर हम गए थे शिमला, तो शिमला से ज़्यादा अच्छा मनाली है क्योंकि ज़्यादा हाइट पे है। तो अब फिर से देखते, चलो रेस्टोरेंट पर चलते हैं और मिलते हैं वहाँ पर जाके। और हम पीयूष का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर डॉगी देख सकते हैं आप, कर रहे थे पीयूष भी आ चुका है कार पार करके। तो और अब हम ना यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे ना पास में एक खाने का वो है, यहाँ पे कनाडा पिज़्ज़ा,
देखते हैं कैसा है। मुझे तो यार सही नहीं लग रहा वैसे, पर देखना आप एक बार देखो यहाँ कैनेडा पिज़्ज़ा लिखा है ना, तो उन्होंने ऊपर शिफ्ट कर लिया है और यहाँ नीचे गारमेंट्स की शॉप है। तो पहले हम सोच रहे थे कि ये गलत है, पर ऊपर जाके पता लगा। और यहाँ पे ये मैजिक का टैटू स्टूडियो, स्टेयर्स ऊपर जाते हैं। यार मार्केट बहुत मस्त है मनाली का। और अभी ये पीयूष भी ग्लव्स वगैरह ले रहा है, ले ले भाई आगे से लेंगे, तो इसने डिसाइड किया ये आगे से लेगा। तो चलते हैं और अब रेस्टोरेंट में मिलते हैं आपको सीधा। तो फाइनली हमें अपना रेस्टोरेंट मिल गया खाने के लिए। तो ऑलमोस्ट 3-4 जगह हमने पूछा तो फूलते हैं। यहाँ पे वैष्णो फंगी ढाबा, फैमिली ढाबा, तो हमको यहाँ स्पेस मिल गई है 7 मेंबर्स के लिए। नीचे तो ऑलमोस्ट फुल है, ऊपर चलते हैं। और ये टेबल है यहाँ पे हमें मिल गया, और हम डिनर करते हैं फिर और मिलते हैं। पहले बैठ जाए, सिटिंग कर ले, बैठ भाई। तो हम अपने टेबल पे बैठ चुके हैं सारे, हमने भी खाना ऑर्डर कर दिया। और हमारा एक बंदा अब हंस के दिखा रहा है, बीमार वाला सीन दिखा भाई। नहीं नहीं बीमार नहीं है, बीमार नहीं है। और ये लगती बीमार है, ये बेचारी पतली बहुत है ना, कहीं गिर जाए, कमजोर है ये। और ये थोड़ी तगड़ी है, ये तगड़ी है, जैसे हमारी लड़ाई होती है बाउंसर टाइप, ये तगड़ी है। और ये गेमर, हमारा गेमर, और गेमर इधर इधर गेमर। तो अभी आने वाला खाना, तो अभी ऑर्डर कर दिया है ना, ऑर्डर कर दिया, आने वाला बस फिर दिखाते हैं। और भाई तो फाइनली हमारा डिनर आ चुका है, पनीर और दाल मखनी, दाल मखनी है, शाही पनीर है, अभी यहाँ सब चल रहा है भाई। और क्या है, चपाती, चपाती और राइस, चपाती है, राइस है, और बहुत कुछ है। तो कुछ कैसा, यही आइटम बस, ये मंगाया है और कुछ नहीं मंगाया, अभी और मंगाना है यार, ऐसे मत करो, खा के मिलते हैं भाई। डिनर करके फ्री हो गए, सबने खा लिया मनाली में आके पहली बार, अच्छा डिनर किया। ये देख, ये पानी पी जा रही है, रोटी खाई, इसने इतना खा लिया। फाइनली डिनर करके फ्री हो चुके हैं सारे। अभी ना मेरा फोन भी गिर गया था, इसके अंदर गिर गया था, वीडियो में दिख जाएगा। तो फाइनली डिनर कर लिया हमने, और इसने बहुत सारा खाया है ना, ये बोल नहीं पा रही है। और हम जा रहे हैं, और हम चल रहे हैं, और भैया ने कर दिया सब पैक, और हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलो तो फाइनली हम ना तीन लोगों में आए, दिवेश, मैं, यहाँ पे पान खा रहे हैं भैया, पान बना रहे हैं विदाउट टबैको, टोबैको वाला नहीं है भाई। ऐसा देखो ना, बारिश हो रही है यार, और सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं, एटीएम वगैरह खुला है, बाकी सब बंद हो गया यहाँ पे सब कुछ। और मिलते हैं आपको होटल में। हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सी व्लॉग्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे 3 जनवरी, बंदे ने इतना लेट उठा ना, बंदा 1.5 घंटा लेट उठा, 8 बजे का टाइम था, 9:30 चुके। बंदे को नीचे सुलाएंगे ना, मैं उठेगा कैसे बंदा, और झूठ सरासर झूठ सामने, मैं लेटा हूं नीचे अभी। ये बंदा बहुत झूठ बोल रहा है, इस बंदे ने बहुत दुखी करा हमें, ये रजाई खींच खींच के नीचे फेंकते दूसरों, दिमाग खराब कर दिया बंदे ने भाई। ये बंदा ठीक है, ये लेजेंडर है, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है, इससे ऊपर कोई नहीं। हम बॉनविटा वाला दूध पी रहे हैं, तो हमने चाय कॉफी मंगा ली है, चाय कॉफी मंगा ली है, और इसके लिए बॉनविटा वाला दूध मंगाया, बॉनविटा वाला इतना बड़ा हो गया है दूध, मैं बॉनविटा वाला है, इसे एनर्जी चाहिए, बॉनविटा चाहिए आपको, ठंडा हो जाएगा, पी लो, पी के फिर चलते हैं घूमने। आज कहाँ जाना है, आज घूमना है और फिर घर जाना है, हडिंबा टेंपल, आज जाएंगे शायद हडिंबा टेंपल। तो चलो चाय पी के चलते हैं ना धोके। यार अभी हम तैयार हो गए, पूरा तैयार हो गए, और हम निकल चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं जुगनी फॉल्स के लिए। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे जुगनी फॉल्स के लिए। सही हो गया, धूप आ गई, मौसम आज बहुत अच्छा है, पूरी धूप निकली है। अगर आपको पहाड़ दिख रहे होंगे ना पीछे, पूरे बर्फ से ढके हुए हैं, वो देखिए, इधर के भी वो देखो, पर पूरा बर्फ से ढके हुए पहाड़।
होटल हमारा बहुत अच्छा था, द 1965, बहुत ज़्यादा अच्छा होटल था। तो नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं जुगनी फॉल्स। और हम निकल चुके हैं अपने होटल से, अपने ब्रेकफास्ट के लिए निकल चुके हैं। और ये हमारे भैया होटल वाले, भैया अपना नाम बताओ। परीक्षित अवस्थी। यार ये बहुत बड़े भैया हैं दोनों, मतलब भैया ने हमारा बहुत मतलब कॉपरेट किया और इनका होटल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि यहीं पर ज़रूर आना, माल रोड पर ये होटल, होटल का नाम है माल रोड कॉटेज। और यहाँ आपको रेंट पर बाइक्स भी मिल जाएंगी ये होटल के लिए। बाकी मैं रिकमेंड में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू। और चलते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट करने। वैष्णो कुंजी ढाबा, जहाँ हम रात रुके थे, तो अब यहीं पे हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे बाइक से गिर गया, बंदा बच गया। तो चलते हैं हम अपने होटल में। चल भाई चल चलते हैं। खाली करते हैं, देखो सारा खाली पड़ा ऊपर। अभी शुरू है तो बैठो। रेस्टोरेंट ठीक है, बढ़िया है, खाना बहुत सही है। अभी मेरे पराठे आ गए हैं, अचार खा के मुझे बताते हैं कैसा रहा पराठा खाने का स्वाद, कैसा रहा। इस बंदे को बहुत भूख लग रही है। मुझे माल रोड पे बढ़िया सी फोटो खींच ली यार, मुझे फॉलो कर लेना के नाम से। मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। तो हम जा रहे हैं, पकड़ो मास्क लगा लो भाई, मेरे को इससे कुछ नहीं होता, नकली है, कोरोना नकली है, कोरोना फेक है, स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है ये। एक दफा यहाँ सलून बना ली, सलून यहाँ हम रात आए थे, बंदी था और मौसम बहुत अच्छा आ रहा है, बारिश वाला आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है मौसम को देख के। घूमने का मन करता है ऐसे मौसम को, सेफ्टी करते हैं। फिर तुमने बोल दिया भी बहुत चलते हैं यार, जॉन सी मशीन उनको। तो हम लोग यहाँ पे शॉप पे आए हैं, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फ्लैग लिया है और पीस ने भी लिया है, छोटा वाला फ्लैग। और यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा तो होते हैं ना, मतलब जो म्यूजियम मतलब सजाने के लिए, कार्स वगैरह डैशबोर्ड के लिए रखने के लिए। आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा, मतलब बहुत अच्छी शॉप लगी हमको यहाँ पे, कैप्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो बहुत अच्छी शॉप है, मैंने यहाँ से फ्लैग लिया है, मतलब कुछ नहीं है, उतनी कीरिंग नहीं है। इस बंदे को इतनी काली आइसक्रीम खाने की, हमारी आइसक्रीम सबकी देखो कितनी कितनी पड़ी है, इस बंदे इतनी खा लिया छाती जाम हो गई। अरे गिर गई है भाई, इसलिए छाती जाम हो गई, गिरी हुई भी खा ली, बिल्ली खा गई, बिल्ली भी खा गई, इतनी जल्दी खा रहे हैं, यहाँ पेन होने लग गया, छाती जाम हो गई, ये ठंडा ना इसलिए हो गई। कहते हैं मैं खाना बहुत प्यार से खाता हूं। तो अभी हम कार में आ गए और जा रहे हैं जुगनी फॉल्स के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर है, बैठा ला लो ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर। मास्क तो बैठा हूँ कि मास्क मैंने बड़ा चाहिए तो बुला कर ले लेता, बस जाम ना मिले। ले लेंगे आगे, जल्दी पहुँच जाएंगे, ये तो बता रहा है कि 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो जुगनी फॉल्स का प्रोग्राम कैंसिल हो गया रास्ता बंद करके, तो हम कहाँ जा रहे हैं, कुल्लू। हम जा रहे हैं कुल्लू, कुल्लू जा रहे हैं, साइट सीन करेंगे वहाँ पे, और अगर एक्टिविटीज होगी तो हम वो भी देखेंगे कि वाटर एक्टिविटी होगी वो भी देखेंगे, वहाँ पे एक्टिविटीज करेंगे हम। फिलहाल हम मनाली से निकल रहे हैं, अगर नहीं कुछ बनेगा तो हम अपने घर चले जाएंगे, बैक टू होम। मुझे देखो, मुझे खिलाया काम। तो अभी हम साइड पे रुके हैं थोड़ा सा मनाली से बाहर आके फोटो खिंचाने के लिए, यहाँ रिवर पे साइड पे बहुत अच्छी फोटो रखते हैं, सामने बर्फ बहुत ज़्यादा है, चलते हैं नीचे फोटो वगैरह खींचते हैं बढ़िया सी, फिर मिलते हैं आपको। हम यहाँ बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे और इस बंदे का दिमाग खराब हो रहा है, बराबर फोटो खिंचा के चलते हैं नीचे। फाइनली फोटो शूट करा के हम जा रहे हैं घर को, रास्ते में अगर कुछ मिला फिर रुक जाएंगे,
तो वो ड्राइवर देखो आ मास्क फेर आ गया भाई, होली चलानी है, बहुत रफ चलाता ड्राइवर ही माड़ा सा। आ मास्क फड़ोगी तो फिर अभी हम रुके एक पेट्रोल पंप पे और ये जो है उनको बहुत तेज फटी आई है। इसको आइए, इसको 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 फोकस का ड्राइवर पे इसको आइए। आपको कुछ नहीं है, बंदा ही उतरा देखो, ये बंदा है, ब्लैडर भरा हुआ है वो कुछ मारो के बंदे, ये बंदे आके बैठे बोल रहा है कर दिया गंदे खत्म हो जाएगा इसका। इसे तो नहीं आते, गाड़ी अंदर से सुगंधित है पूरी, इसलिए सारे बाहर हैं। बहुत दूरी कर रहा है क्या, ड्राइवर ने मास्क पहना हुआ इसलिए कुछ फर्क नहीं। हम रुक चुके हैं ढाबे पे, बहुत नींद आ रही है घर जाते टाइम, और सिचुएशन बता नहीं सकते, नींद आ रही है बता नहीं सकते बिल्कुल। टॉर्चर हुआ, टॉर्चर दो घंटे बहुत ज़्यादा, और ये तो नहीं ढाबे पर रुके, लेकिन ढाबे पर चाय पीने के लिए टाइम हो गया है 48 और अभी हमने कवर करा है ऑलमोस्ट 110। करा भाई थक गया? नहीं भाई मैं थोड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं क्यों थकूँगा, नहीं बैठे बैठे तो थक जाता हूँ, बैठे बैठे मैं नहीं थका, मेरा बम थक गया। चाय पी के चलते हैं मेरा आगे घर। इसकी भाई की स्थिति बता दे, ये भाई बहुत इस बंदे बहुत में बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन है, टेंशन किस चीज़ की वो आगे बता दे। तो यार दो घंटे हो गए हम जाम में फंसे हुए हैं, जाम इस वजह से लगा है कार का टायर निकल गया चलती कार का, तो इस वजह से जाम लगा हुआ है बहुत। भी भूख भी बहुत लग रही है, टाइम हो चुका है 10 बज गए हैं, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है भाई क्या करेंगे। भूख लग रही है, ड्राइवर को भूख लग रही है तो पागल हो गया गुस्सा ड्राइवर वो तो एक आदमी में मार देगा इतना भूखा हो गया। चलो देखते हैं कब तक खुलेगा जाम, ड्राइवर टॉफियां खा के काम चला रहा है। हम ढाबे पर रुक गए हैं, टाइम हो गया 11 भाई, जाम दिखा कितना पहाड़ी फाइनली। फाइनली 3 बजे हम रात के अपने घर पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, इतना लंबा सफ़र रहा भाई, सारे थके पड़े हैं। यहीं व्लॉग एंड करते हैं, अगर आपको सीरीज अच्छी लगी है मनाली व्लॉग की लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।